हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं बंटी रमानी, बीआर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जीके के स्पेशल्स जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसके सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो क्वेश्चंस है, इसके क्वेश्चंस के साथ में बहुत सारे फैक्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। एक एक फैक्ट जो है आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, एक थोड़ा सा भी स्किप नहीं करेंगे आप, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए दो लाइन्स हैं, सुनेंगे। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर, तू ज़रा कोशिश तो कर। तो दोस्तों, कोशिश करते रहना है, हिम्मत नहीं हारना है, सफलता ज़रूर मिलेगी। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए देखिए। पहला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे दक्षिणी बंदरगाह राज्य में स्थित है। किस राज्य में भारत का सबसे दक्षिणी बंदरगाह स्थित है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। इसका आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। बोलता है भारत में सबसे दक्षिणी बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है। तमिलनाडु का VO चिदंबरनार बंदरगाह, पुराना नाम क्या था इसका? तूतीकोरिन बंदरगाह। इसका पुराना नाम है तूतीकोरिन बंदरगाह। भारत का दक्षिणतम बंदरगाह है, भारत का दक्षिणतम बंदरगाह है। देश के सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ने हेतु 15 अगस्त 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सागरमाला परियोजना की घोषणा की थी। क्या था? सागरमाला परियोजना 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने। सागरमाला परियोजना की शुरुआत 2014 में मेक इन इंडिया के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए थे। बोलता है तमिलनाडु, तमिलनाडु का चेन्नई बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह। ये भी ये ध्यान में रखिएगा कि तमिलनाडु का चेन्नई बंदरगाह जो है वो क्या, कृत्रिम बंदरगाह है। तमिलनाडु के एनोर बंदरगाह, नया नाम जिसका क्या है, कामराजर बंदरगाह, का निर्माण एशिया विकास बैंक की सहायता से निर्मित किया गया है। डायमंड हार्बर जो कि कलकत्ता में है, डायमंड हार्बर पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो ज्वारीय बंदरगाह है। तो दोनों बात को ध्यान में रखना है कि पश्चिम बंगाल में जो डायमंड हार्बर है वो ज्वारीय बंदरगाह है, और ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चेन्नई का जो बंदरगाह है वो कृत्रिम बंदरगाह है, तमिलनाडु का चेन्नई बंदरगाह वो कृत्रिम बंदरगाह है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आज का सेकंड। बोलता है प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी हत्या कर दी गई, तो बताना प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिनकी हत्या कर दी गई? वो थे ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी। प्रथम प्रधानमंत्री हत्या कर दी गई जिनका, वो थे इंदिरा गांधी। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के ही दो सिख सुरक्षा गार्डों ने उनकी हत्या कर दी थी। 21 मई 1991 को श्री पेरुम्बुदूर तमिलनाडु में चुनाव प्रचार करते समय लिट्टे द्वारा राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। याद रखिएगा, राजीव गांधी की भी हत्या कर दी गई थी 1991 में, ठीक है। किनके द्वारा? लिट्टे द्वारा। मोरारजी देसाई 1977 में जनता पार्टी सरकार में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। ये भी क्वेश्चन पूछता कि हमारे देश में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, कौन बने? तो वह मोरारजी देसाई, याद रखना आपको। जुलाई 1979 तक कार्यरत रहे थे, मतलब 77 में बने और 79 तक कार्यरत रहे थे। लाल बहादुर शास्त्री भारत के पहले और एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु क्या, विदेश में हुई, याद रखिएगा। और कहाँ पे? ताशकंद में, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं और लाल बहादुर शास्त्री पहले और एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु विदेश में हुई है। मोरारजी देसाई जो है वो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। राजीव गांधी और इंदिरा गांधी दोनों की मृत्यु क्या है, हत्या के द्वारा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है? बोलता है दुमहल किस राज्य के नृत्य का एक रूप है? जो दुमहल है वह जम्मू कश्मीर का, याद रखना है। दुमहल जम्मू कश्मीर राज्य का एक नृत्य है। दुमहल जम्मू कश्मीर राज्य के नृत्य का एक रूप है। राउफ मदजास और हिकात जम्मू कश्मीर के अन्य लोक नृत्य हैं। गरबा, डांडिया, पनिहारी और टिपन्नी गुजरात के लोक नृत्य हैं, ध्यान रखना आपको। राम भेसे और कीर्तन पश्चिम बंगाल के हैं, ये पूछता है कीर्तन के बारे में, ध्यान रखना आपको। कथकली केरल का है और अन्य देखिए। और भारतीय नृत्य तीन प्रकार के हैं, कितने प्रकार के हैं? भारतीय नृत्य तीन प्रकार के हैं, एक है शास्त्रीय नृत्य, एक है लोक नृत्य और एक है जनजातीय नृत्य। तीनों को ध्यान में रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि आज़ाद भारत में प्रथम भारत रत्न अवार्ड दिया गया था किन्हें दिया गया था? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर होगा सी वी रमन को। किसको होगा? सी वी रमन को। आज़ाद भारत में प्रथम भारत रत्न अवार्ड सी वी रमन को दिया गया। भारत रत्न अवार्ड की शुरुआत कब हुआ? 1954 में, ध्यान रखिएगा। 1954 में कुल तीन लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। एक थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे चक्रवर्ती सी गोपालाचारी, इसको बोलते हैं चक्रवर्ती गोपालाचारी, और तीसरे सी वी रमन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस इसका आंसर क्या होगा? सी वी रमन।
देखिए आगे, यह पुरस्कार भारत में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है, ये भारत में दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवी तथा अपने जीवन में असाधारण उपलब्धि हेतु दिए जाते हैं। 2019 में भारत रत्न 3 लोगों को दिया गया, ध्यान रखिएगा 2019 का, ये करंट में पूछा जाएगा। पहले प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख, इन तीनों को ध्यान में रखना है आपको। 2019 में भारत रत्न पाने वाले 3 व्यक्ति, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ओजोन को नष्ट करता है, तो क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस क्या है, ओजोन को नष्ट करता है। क्लोरीन ओजोन परत को नष्ट करता है। ओजोन परत समताप मंडल के निचली परत से 15 से 35 किलोमीटर तक विस्तृत है। पूछेगा ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, तो समताप मंडल होगा। आगे, जो हानिकारक परावैगनी किरणों से जीवों की रक्षा करता है, तो ये जो है ओजोन परत हम लोगों का सुरक्षा कवच है, पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। जेट वायुयानों से निकलने वाली नाइट्रस ऑक्साइड तथा एयर कंडीशनर से निकलने वाली, रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली, घरेलू उपकरणों से निकलने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ओजोन परत का क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, क्षरण करता है। ध्यान में रखिएगा, ओजोन परत के क्षरण से चर्म रोग, कैंसर, अनुवांशिक विकार आदि खतरे बढ़ जाते हैं, इसलिए बहुत ही हानिकारक है। देखिएगा नेक्स्ट बोलता है, ओजोन छिद्र की खोज 1984 में, मतलब ओजोन परत में जो छिद्र हो गया वो खोजा गया 1984 में जोसेफ फोरमैन, कौन थे, जोसेफ फोरमैन, बी गार्डनर तथा जे सेंकलिन द्वारा खोजा गया, ठीक है। ओजोन क्षरण को रोकने के लिए उद्देश्य क्या था, 1987 में कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो 1987 में हुआ था, कनाडा में हुआ था। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्राचीन नगर हड़प्पा और डैश खुदाई करने पर सामने आए, तो दूसरा है मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्राचीन नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो खुदाई करने पर सामने आए। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, कैसा था लिपि वहाँ का, भाव चित्रात्मक, ठीक है, जिसे पढ़ने में असफलता हासिल नहीं हुई, मतलब सफलता हासिल नहीं, अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया है, दयाराम साहनी ने किया है, और कब किया है, 1921 में किया है। सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने किया है। देखिए इसका खुदाई किया है दयाराम साहनी ने, लेकिन किसकी अध्यक्षता में किया, ये भी ध्यान में रखना है, सर जॉन मार्शल, याद रखिएगा उन सर जॉन मार्शल। और 1922 में राखाल दास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खुदाई किया गया, ठीक है। तो 1921 में हड़प्पा मतलब सिंधु, ठीक है, और 22 में मोहनजोदड़ो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोलता है रणप्पा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी, रणप्पा नृत्य उड़ीसा राज्य से है, ठीक है। छऊ, कुलनी, पुगनाट और ओडिसी उड़ीसा के अन्य लोक नृत्य, ध्यान रखिएगा ये छऊ बहुत बार पूछा जाता है। केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य क्या, कथकली, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, केरल का कथकली। और पंजाब का क्या है, भांगड़ा, गिद्धा और किंकली, याद रखिएगा। तमिलनाडु का क्या है, तमिलनाडु का है कुंभी और काबड़ी और भरतनाट्यम, इसे बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर लगाया जाता था किसके द्वारा, या ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, गैर मुस्लिम नागरिक, कुलीन नागरिक, सभी नागरिक, मुस्लिम नागरिक। देखिए इसका आंसर हो जाएगा गैर मुस्लिम नागरिक, जो मुस्लिम नहीं थे उन पर जजिया कर लगाया जाता था। तो मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर गैर मुस्लिम नागरिकों पर लगाया जाता था। भारत में जजिया कर सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था, याद रखिएगा। जजिया कर का शुरुआत भारत में सबसे पहले किसने किया, तो ये मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मुगलों के समय 1564 में अकबर द्वारा जजिया कर को समाप्त कर दिया गया, अकबर जो है जजिया कर को समाप्त कर दिए थे, लेकिन फिर ये औरंगजेब आकर के जिसने फिर से इसको चालू कर दिया। औरंगजेब जो है 1679 में जजिया कर को क्या पुनः चालू कर दिया। भारत से जजिया कर अंतिम रूप से मुगल शासक मोहम्मद शाह के समय हटाया गया। अंतिम बार कब हटाइए, अंतिम रूप से कब हटा, तो मोहम्मद शाह के समय में हटा। दिल्ली सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, ये भी याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत में ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था, तो किसने लगाया था, वो लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोलता है एक उपकरण जो विद्युत परिपथ में विभवांतर को मापता है, तो किसके द्वारा मापा जाता है, तो वोल्टमीटर के द्वारा मापा जाता है। एक उपकरण जो विद्युत परिपथ में विभवांतर को मापता है वोल्टमीटर कहा जाता है। इकाई कुलाम विद्युत आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहते हैं। विभवांतर एक अदिश राशि, ध्यान रखिएगा, इसका एसआई मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है।
थर्मामीटर द्वारा ताप मापा जाता है, थर्मामीटर द्वारा ताप मापा जाता है। और थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, तो ये गैलीलियो ने किया था। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो डॉक्टरी थर्मामीटर है उसका आविष्कार फारेनहाइट ने किया था, किसने किया था, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर का आविष्कार फारेनहाइट ने किया था। और ओम मीटर से विद्युत प्रतिरोध को मापा जाता है, और गायरोस्कोप से घूमती हुई वस्तुओं की गति मापी जाती है, गायरोस्कोप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोलता है कुलिक पक्षी अभयारण्य स्थित है, कहाँ स्थित है कुलिक पक्षी अभयारण्य, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कुलिक पक्षी अभयारण्य पश्चिम बंगाल में स्थित है। बोलता है कुमाराकोम पक्षी विहार बेम्बाजाद पक्षी विहार केरल में है। याद रखिएगा, ये बेम्बाजाद और कुमाराकोम कहाँ पर है, ये केरल में है। ओखला पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, ओखला बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सलीम अली पक्षी विहार गोवा में मांडवी नदी के पास स्थित है, कहाँ है, गोवा में मांडवी नदी के पास स्थित है। सलीम अली पक्षी विहार गोवा में मांडवी नदी के पास स्थित है। सलीम अली को भारत का बर्ड मैन कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का बर्ड मैन किसे कहा जाता है, सलीम अली को कहा जाता है। सलीम अली के सम्मान में जम्मू कश्मीर में, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में एक राष्ट्रीय उद्यान उनके नाम पर स्थापित किया गया है, ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस थे जिसमें बहुत सारे फैक्ट्स थे, और ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको एक भी क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना है दोस्तों, इसको दोबारा देख लीजिएगा। और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ बढ़िया क्वेश्चन के साथ। आज के इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, जय हिंद।